आपके आठवें घर में बैठा है भाई साहब, लक्ष्मी तो नजर भी उठाकर नहीं देखेगी। सब पता है मुझे, तुम्हारे चेहरे को देख के सब कुछ जान चुका हूँ। चेहरे पे तो राज ही हो गए लेकिन दूर जा रहे हो। यहाँ आने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी के जीने का रास्ता बदल दिया और वो उनके लिए फायदेमंद रहा और उसकी वजह है नाम में बदलाव। तो मैं तुम्हें एक अच्छा नाम दूंगा और उसकी वजह से लक्ष्मी धड़ाधड़ आती चली जाएगी। आप मुझे नाम मत दीजिए, मैंने एक नया नाम रखा है, वो सूट होगा या नहीं ये बताइए। ओह, तो तुमने अपना नाम खुद ही बदल दिया। पर एक बात तो बताओ कि क्या वो नाम तुम्हें सूट कर रहा है? बताओ नाम क्या रखा? अभी मुझे केस मिला है इसलिए मैं तुम्हें ये स्वीट खिला रहा हूँ। कंग्रेचुलेशन। कौन है लायर? मैं हूँ योर ऑनर। विटनेस को हाजिर करो। आप आइए इधर। योर ऑनर, ये है त्रिमूलाचारी। रामनगर से 15 किलोमीटर दूर नारायण भगवान का एक मंदिर है, ये उसके मुख्य पुजारी हैं। 40 साल पहले भूपति नाम के एक व्यक्ति ने 10 एकड़ की जगह पर नारायण मंदिर बनाकर त्रिमूलाचार्य के खानदान को उसमें पुजारी बनाया था। अब भूपति का लड़का गुरु मूर्ति उस जगह को वापस लेने की बात कर रहा है। मैं अदालत से यह दरख्वास्त कर रहा हूं कि इस बाबत जो भी सही निर्णय है वो लिया जाए। सारे डिटेल्स इसमें है मिलॉर्ड। डिफेंस लॉयर। सर मैं यहाँ हूँ। hey, तुम्हें लॉयर किसने बना दिया? तुम्हें उठकर बात करने की बेसिक डिसिप्लिन भी नहीं है। सॉरी सर। योर ऑनर, इन्होंने जितना भी बताया वो सारा सच भी है और झूठ भी है। इन्होंने हमारे क्लाइंट के खिलाफ एक पिटीशन दिया है, वैसे इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है। ये सिर्फ वहाँ के पुजारी हैं और उनकी अच्छी कमाई हो जाती है। उस खाली पड़ी जगह में हमारे क्लाइंट एक फैक्ट्री बनाकर उसमें 100 लोगों को रोजगार देकर उनकी जिंदगी बनाना चाहते हैं, उनका भविष्य सुधारना चाहते हैं, लेकिन ये उनके खिलाफ पेटिशन देकर उस काम में रुकावट डाल रहे हैं। जज साहब, वो जगत मूर्ति है, स्वामी जी का दर्शन करने के लिए तो रोज हजारों लोग वहाँ आते हैं। मंदिर को अगर कुछ नुकसान हुआ तो आपको भी तकलीफ होगी। देखा योर ऑनर, इस तरह से लोगों को डरा कर उन्हें धमकी देकर ये पैसा वसूल करते हैं, लोगों के साथ साथ आपको भी बेवकूफ बना रहे हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये इस केस की दिशा बदल रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। बैठ जाओ भाई। पंडित जी बताइए, मंदिर के आगे कितने भिखारी बैठते हैं और वो कितने सालों से बैठते हैं? कम से कम 33 ऐसे भिखारी हैं जो 7-8 सालों से वहाँ बैठते हैं। वो लोग भीख मांगने के लिए बैठे हैं, तो उन्होंने कहा होगा कि हम इतने सालों से बैठते हैं, ये जगह हमें रजिस्टर करके दे दो, तो आपने दी? वो कैसे दे सकते हैं, उस जगह पे उनका क्या हक है? नहीं है ना। दैट इज माई पॉइंट योर ऑनर। इन्हें रहने के लिए एक जगह दे दी गई है, इन्हें जिंदगी गुजारने के लिए एक मंदिर बनाकर दे दिया है। कल ये जगह आप मेरे नाम पर रजिस्टर करके दो बोलोगे तो ऐसे कैसे हो सकता है? उसी तरह उस जगह पर आपका भी कोई हक नहीं है। आपको भिखारियों के बारे में जो कहा गया था ना, वो एग्जांपल के तौर पे कहा गया था, तो कृपा करके इस केस में न्याय मिलना चाहिए योर ऑनर। लेकिन फिर हम कहां जाएंगे और पूजा करने के लिए भक्त लोग कहां आएंगे? ये बताइए, भगवान सब जगह है ऐसा कहते हैं, फिर भगवान की पूजा तो हम कहीं पर भी कर सकते हैं ना? हवा हर जगह है ये आप भी जानते हैं, लेकिन फैन के नीचे रहेंगे तो उसका अनुभव ज्यादा करेंगे। हवा कहीं भी मिल जाती है, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। योर ऑनर, सिर्फ यही बात नहीं है, मंदिर की पूजा खत्म होने के बाद गर्भगृह में जाकर इन्होंने कुछ चोरी किया है, ये सब ओपन किया जाए तो इन पर एक और केस लग सकता है, और मैं पर्सनली चाहता हूँ कि वो केस इन पर बन जाए। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उस जगह को खाली करके हमारे क्लाइंट को देकर उसे न्याय दिलवा दीजिए। दैट्स ऑल योर ऑनर। इस पिटीशन को अच्छी तरह से जांच करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया है कि त्रिमूलाचार्य का इस जगह पर कोई हक नहीं बनता है, इसलिए उनका दावा खारिज किया जाता है।
नेक्स्ट केस। ये क्या है भाई? झंडू बम है सर। किसका? लॉयर विजय कुमार का केस है। शुरू कीजिए। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट को इस कटघरे में खड़े होने की अनुमति दी जाए। hey, देखकर तो बात किया करो। सर, वो ऑलरेडी आ चुका है। ओ, आ गया क्या? जरा कसम खा तो। भगवत गीता की शपथ ली जाती है, ये तुम क्या कर रहे हो? सर, ये भगवत गीता, कुरान, बाइबल, सारे के सारे ऐप मैंने मोबाइल में लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं सर। ठीक है, आगे बढ़ो। थैंक यू, तुम शपथ लो भाई। मैं सच कहूंगा, सच के अलावा और कुछ नहीं कहूंगा। तो फिर चलो भाई, शुरू हो जाओ। जज साहब, उस दिन क्या हुआ था कि सर चीटिंग केस है सर। किसने किया है? खरुआ पिक्चर वालों ने सर। ओ अच्छा। हाँ सर। वो सुपर हिट फिल्म। हाँ सर। क्या हुआ आप? सर, फुल पिक्चर दिखाने के बजाय क्लाइमेक्स में उन्होंने पार्ट टू लिख दिया है सर। ओ, वैसे ही मेरी दादी कसौटी जिंदगी की कब एंड होगा बोल के एक दिन खुद ही एंड हो गई सर। और अब मेरा दादा करुआ पार्ट टू कब आएगा ये सोच के वो भी एंड हो गया सर। आखिर में मेरे दादा की जान और उनका पैसा दोनों चले गए सर। कितना पैसा? कुल मिला के 360 रुपए सर। ओ, 360 रुपए, मतलब 360 धारा में केस करता हूँ मैं। योर ऑनर, यही मेरे क्लाइंट की समस्या है। आप धारा 360 या कोई बढ़िया सी धारा लगाकर हमारे क्लाइंट को न्याय दिला दीजिए। सेक्शन 360 में? हाँ योर ऑनर। इसके लिए मैं कोई फैसला नहीं सुना सकता, 360 रुपए देता हूँ, लोगे क्या? सर हाँ, ऐसे नहीं सर, मेरे दादा की इच्छा। अरे तू चुप रहो, वर्कआउट होगा ना। ठीक है सर। सर, आप नहीं जानते, 360 रुपए नहीं, 3 करोड़ रुपीज। 3 करोड़ रुपए? यस योर ऑनर। ये 360 रुपए लगाकर फिल्म देखने के बजाय रेस कोर्स में जाकर जॉकी के ऊपर बेट लगाता तो आज इसकी ये हालत नहीं होती। 20 लाख रुपए मिलते इसे। अगर वो 20 लाख रुपए लेकर लिंक रोड पर कोई बिजनेस करता तो आप जानते हैं कि वहाँ पर मेट्रो रेल आ रही है तो क्या फायदा होता, आपको पता ही है। आज उसकी कीमत 3 करोड़ रुपए हो जाती। सुनो, इसकी प्रॉब्लम करवा पार्ट टू है, पैसा नहीं है। एब्सोल्युटली सर, वो 3 करोड़ रुपए मेरे क्लाइंट को मिला तो ये खुद ही फिल्म बना देगा सर, और आपको भी एक करेक्टर मिल जाएगा सर। सुनो पुलिस वाले, इसे कस्टडी में ले जाओ और अंदर डाल दो। तुम्हें 100 रुपए का दंड कर रहा हूं। छोड़ दीजिए सर, मैं कोर्ट की तरफ मुड़ के भी नहीं देखूंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा सर। चलो। आर्या, अरे कितना भी उठाओ ये उठता ही नहीं है, हमेशा सपने देखता रहता है, कपड़े भी नहीं टांगे। छी, मेरा बेचारा बेटा, पैसों की आवाज सुनकर तुरंत ही उठ जाते हो, पैसा पैसा, जब देखो पैसा पैसा। जल्दी से तैयार हो जाओ, कोर्ट जाने का टाइम हो रहा है। आर्या नाम से मुझे मत पुकारना, मैंने अपना नाम बदल दिया है तो मुझे उसी नाम से बुलाना। नाम बदलने से पैसा तुम्हारे पास दौड़ कर नहीं आएगा, मेहनत करके ईमानदारी से पैसा कमाओ। इतने सालों मेहनत की, आश्रम में काम किया, कितनी मेहनत की तब जाके तुम्हें लॉयर बना पाई हूँ, और एक तुम हो जो बिना मेहनत के पैसे चाहते हो। हाँ, बना दिया। तुमने किसी पैसे वाले से शादी की होती तो तुम भी खुश रहती और मैं भी खुश रहता, और अब देखो तुम भी दुखी हो और मैं भी दुखी हूँ। पैसे आज हैं, कल चले जाएंगे, हमारे कर्म ही हमारे साथ रहेंगे, समझे? पहले इज्जत कमाओ इज्जत। तुम भी समझ लो, पैसा हो तो इज्जत है, नहीं तो इज्जत नहीं मिलेगी। हाँ आर्या, तुम्हें हमारे आश्रम के केस को लड़ना ही पड़ेगा। आश्रम का केस लड़ने से मुझे पैसा नहीं मिलेगा। ए, ये आज तुम लॉयर बन के खड़े हो ना, ये सब कुछ उस आश्रम की वजह से, हमें कर्जा चुकाना ही होगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तुम काम कर रही हो ना, बस यही काफी है, मुझे तंग मत करो। हाँ, मुझे 50 रुपए दो, पेट्रोल डालना है गाड़ी में। ये लो। ओके, मैं चलता हूँ। थोड़ा खा लो। नहीं, शाम को जल्दी घर आ जाना, ठीक है? मैं कहाँ जाता हूँ माँ, कोर्ट से सीधा घर ही तो आ जाता हूँ ना। स्कूटर भी स्टार्ट नहीं हो रही है। ए आर्या, चल तू हमारी गाड़ी में बैठ जा। अरे तुम्हारी तो मैं नहीं, मैंने तुझे मुझे क्वार्टर का पैसा देना ही होगा।
एक क्वार्टर नहीं तुम्हें एक फुल बोतल दूंगा, लेकिन वो दिन जरूर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करो, बस देखते रहना। वो दिन आने तक मैं जिंदा रहूंगा क्या? उस दिन फुल बोतल पिलाने के बजाय आज क्वार्टर ही पिला दे मेरे भाई। इंसान में इंसानियत नहीं होती है लेकिन मनी में इंसानियत होती है, वो दिन जरूर आएगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आएगा। ठीक है जाने दो भाई, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हें आज आशीर्वाद देता हूँ। शुभ मास्तु, मास्तु शुभ, आज तेरी किस्मत खुल गई। अभी तुम्हारा आशीर्वाद मिल गया ना, ये स्कूटर एक ही किक में स्टार्ट होगी। ओके चलो किक मारो। सुनो मनी, एटीएम कार्ड, आज शाम को क्वार्टर लाना मत भूलना। ओके बाय। एमएलए धनराज के भाई तिलक के अत्याचार का केस लड़ने वाले वकील नारायण स्वामी एक कार एक्सीडेंट में मारे गए, जिससे तिलक और धनराज घबरा गए हैं। तुमने क्यों बेकार में उस लड़की से पंगा लिया, अब क्या करें, वो लॉयर तो मर गया है, इस केस का फैसला क्या होगा कुछ नहीं पता, और मेरे पॉलिटिकल करियर का भी पता नहीं क्या होगा, क्या करें समझ नहीं आता। आप चिंता मत कीजिए, इस केस को मैं टेक ओवर कर रहा हूं। तुम? जी हाँ सर, आपके लॉयर का फर्स्ट असिस्टेंट मैं ही हूँ। तुम इस केस को हैंडल करोगे? तुम्हारे जैसे जूनियर लॉयर पे मैं भरोसा नहीं करूंगा। सर इस केस के बारे में मैंने ऊपर से नीचे तक स्टडी की है, जानते हैं आप, इसलिए मुझसे अच्छा डील करने वाला और कोई लॉयर आपको नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर वन, मिस्टर आर्या। सर प्लीज, मैं चाहता हूँ कि ये केस हम जीत जाए, मुझे जो उन्हें 25 लाख रुपए देने हैं वो फिर मैं तुम्हें दे दूँ। थैंक यू सर, मैं चाहता हूँ। सुनो, इस केस में अगर कुछ भी उल्टा हुआ ना तो याद रखना। ठीक है आप जाइए, मैं देख लेता हूँ। प्रोसीड। योना देखिए, मेरी जो क्लाइंट है मिस स्वाति, एमएलए धनराज जी की डीएलयू इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करती है, मेरिट से सीट ली हुई, पिछले साल पूरे कर्नाटक में से गोल्ड मेडल जीत चुकी है मेरी क्लाइंट स्वाति, इसलिए उसे इसी कॉलेज में से सम्मानित भी किया जा चुका है पिछले साल। वो मार्च 6 तारीख को सम्मान देने वाले उस कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट रह चुका है मिस्टर तिलक। उस कॉलेज के प्रिंसिपल सदाशिव की वजह से ही मेरी क्लाइंट स्वाति को ये स्कॉलरशिप मिल पाई है, यही कहकर उसे अपने घर ले गए थे। इसके बाद वहाँ पर क्या हुआ ये हमारी क्लाइंट स्वाति के मुंह से उसका स्टेटमेंट सुन लीजिए। स्वाति को बुलाओ। स्वाति, सुनो स्वाति, जज के सामने उस दिन क्या क्या हुआ था सब सच सच बता दो। उस दिन लेक्चर खत्म होने के बाद मैं घर जा रही थी, तब लेक्चरर सदाशिव ने आकर मुझसे कहा कि तिलक साहब ने मुझे बुलाया है, उनके घर जाकर स्कॉलरशिप सैंक्शन के बारे में बात करनी है। उनके घर गई तो तिलक घर में अकेले थे, उनका बिहेवियर मुझे कुछ अजीब सा लगा, उन्होंने बहुत शराब पी रखी थी। तुम्हारे स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स मेरे प्राइवेट रूम में रखे हैं ऐसा कहकर वो मुझे उस रूम में ले गए, और उसके बाद योना, सेक्शन 375 के आधार पर तिलक को सजा देकर मेरी क्लाइंट स्वाति को पूरी तरह से न्याय दिया जाए, बस यही विनती है मेरी आपसे। दैट्स ऑल योना। डिफेंस कुछ कहना चाहेगा? यस योर ऑनर। तुम्हारा नाम? स्वाति। स्वाति तुम्हारा और कोई निकनेम है क्या? बेबी, स्वीटी, डॉली, स्वीटहार्ट? ऑब्जेक्शन योना। ऑब्जेक्शन सस्टेंड। तुम्हारी उम्र कितनी है? 19 हो तो लड़कियों का मन चंचल होता ही है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर।
ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं? इस केस से इसका क्या संबंध है? संबंध है योर ऑनर, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक वीडियो आपको दिखा सकता हूँ। प्रोसीड। योर ऑनर, वो वीडियो क्या है, क्या मैं भी देख सकती हूँ? ऑफ कोर्स। योर ऑनर, इस वीडियो में स्वाति कॉलेज कल्चर प्रोग्राम में अपने फ्रेंड्स के साथ डांस कर रही है, इसका इस केस से क्या संबंध हो सकता है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। योर ऑनर, एक मिनट फोन दीजिए। योर ऑनर, अगर इस वीडियो को हम पूरी तरह गौर से देखते हैं तो लड़की किस तरह से डांस करती है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। शीला की जवानी, चिकनी चमेली, इन गानों पर ये लड़की चार पांच लड़कों के साथ डांस कर रही है। कोई भी एक अच्छे घर की लड़की ऐसे गाने सिलेक्ट करके डांस करती है क्या, ये मुझे आप बताइए। और अगर आप मुझे परमिशन देते हैं तो उस कॉलेज के प्रिंसिपल को इस कटघरे में बुलाने के लिए मैं परमिशन मांगना चाहता हूं आपसे। आपको कोई ऑब्जेक्शन है क्या? नहीं सर। परमिशन ग्रांटेड। सदाशिव जी, आप इस लड़की को जानते हैं क्या? जानता हूं सर, ये हमारे ही कॉलेज में पढ़ती है। मार्च 7 तारीख को आपने स्वाति को स्कॉलरशिप मिलेगी ऐसा बोलकर तिलक के घर पे चलने की बात की थी? नहीं, मैं क्यों बोलूंगा, इस लड़की ने तिलक का नंबर दो ऐसा बोला था, मैंने नहीं दिया। लेकिन 7 मार्च को इसने नंबर जबरदस्ती मांगा, मैंने इसे दे दिया। तिलक बहुत अच्छा आदमी है, कॉलेज में इस लड़की की हरकतें अच्छी नहीं है। That's all your honor. नहीं, नहीं। आप क्या क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगी? Yes, your honor. Proceed. मिस्टर सदाशिव, आपने खुद तिलक का फोन नंबर दिया था, ये आपने कहा था, क्या ये बात सही है? मैं सच कह रही हूँ ना? जी मैडम। योर ऑनर, मार्च 7 तारीख को स्वाति के मोबाइल से तिलक को कोई भी फोन कॉल नहीं किया गया है, रिकॉर्ड सबमिट किए गए हैं, चाहे तो आप जांच कर सकते हैं, मैंने वो आपके टेबल पर रखवा दिए हैं। और किसी मोबाइल से भी कर सकती है, अगर आप परमिशन दे तो इस केस के संबंध में मैं अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना चाहता हूँ सर। परमिशन ग्रांटेड। स्वाति, तुम अपना फोन नंबर बताओ। 8743-85353। देखिए योर ऑनर, ट्रू कॉलर में इसका नाम कॉल गला रहा है। So, इस नंबर पर बहुत सारे लोगों ने कॉल किया होगा योर ऑनर। सबमिट किए हुए मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर क्या हुआ था, मार्च 7 तारीख को क्या हुआ था, ये साफ साफ पता चल रहा है। इसके और मेरे क्लाइंट के बीच में इट इज नॉट रेप, इट इज कंसेंशुअल सेक्स। इसकी सारी बातें झूठी हैं, ये आपको भी पता चल गया होगा, इसलिए मेरे क्लाइंट को न्याय दिलाने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। दैट्स ऑल योर ऑनर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू योर ऑनर। जजमेंट विल बी ऑन अप्रैल 4, टिल देन कोर्ट विल बी एडजर्न। Thank you. Well done, Mr. Arya. Thank you, sir. Namaste, sir. Vijay, LLB. Sir, आपकी style और argument क्या करते हैं sir? Sir, आपका case handle करने का style गजब है sir. Sir, अगर आप chance देंगे तो आपका assistant बन जाता हूँ. Sir, sir, sir. मुझे असिस्टेंट नहीं बनाया तो क्या, तुम्हारा बॉस बनकर रहूंगा मैं। Once again, cheers. मुझे तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सॉरी सॉरी सॉरी, तुम इतने इंटेलिजेंट हो, मैं समझ नहीं पाया था। आई एम सो इम्प्रेस्ड। चेकबुक लाओ सर। सर नहीं सर, अभी तक जजमेंट नहीं आया है तो अभी नहीं सर। मिस्टर आर्या, जजमेंट तो अब हमारे ही पक्ष में आएगा, ये तो हमने भी डिसाइड कर लिया है। ये लो। मना तो नहीं करूंगा, आपका मान रखने के लिए मैं रख लेता हूं सर। थैंक यू सर। तुमने अपनी इंटेलिजेंस दिखाई, तुमने क्रिएट की एविडेंसेस और विटनेसेस, वाह सुपर। अब चाहे कोई भी जज क्यों ना हो, जजमेंट तो हमारे ही फेवर में आएगा, देख लेना। ब्रदर, ये शर्ट वर्ट छोड़, सूट वूट में घुमा करो तुम। ये डब्बा स्कूटर में आने जाना बंद करो, अब कार में घूमो। नहीं सर, नहीं नहीं, थैंक यू। अरे सर, लो, रख लो यार। नहीं सर, कोई बात नहीं। ओके ब्रदर, कल हम कोर्ट में मिलेंगे। ओके ओके, चलता हूँ सर, बाय। Thank you.
किसी का आर्ग्यूमेंट पेंडिंग है क्या? नो आर्ग्यूमेंट योर ऑनर। डिफेंस? नहीं योर ऑनर, अभी तक न्यायालय के सामने पेश किए गए सबूतों और गवाहों को बड़े गौर से पढ़ने के बाद यह न्यायालय तिलक नाम के व्यक्ति को स्वाति नाम की लड़की के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करने का जो आरोप है उस संबंध में अदालत में कोई ठोस सबूत नहीं पेश किए गए हैं और प्रोसिक्यूशन का वकील भी साबित करने में विफल साबित हुआ। इसीलिए ये अदालत तिलक नाम के व्यक्ति को बाइज्जत बरी करती है और उसे निरपराध घोषित करती है। कोर्ट इज एडजर्न्ड। कल हमें तुम्हें जो देना है वो हम जरूर देंगे, शाम को मिलते हैं। ए, तू कभी खुश नहीं रह पाएगा, कभी खुश नहीं रहेगा तू। मेरी बेटी बिल्कुल पवित्र है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तकलीफ झेल रहे लोगों को न्याय दिलाने के बजाय तुम अन्याय करने वालों का साथ दे रहे हो। तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे, ये एक माँ की बद्दुआ है तुम्हें। तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। ए, तुम्हारा भी यही हाल होगा। खुद को मेरी बेटी की जगह रख कर देखो, उसका दर्द दुख क्या है तब तुम्हें पता चलेगा। जी, चलो बेटी। आर्या, क्या उस औरत का श्राप हमें सच में लगेगा? हमने जो किया है वो सही है क्या? मैं सही गलत ये तो नहीं जानता, मुझे चाहिए सिर्फ पैसा। जो पैसे हमें मिले हैं उनसे हम मजे करेंगे। Hey, क्यों अपना मूड ऑफ कर रही हो? कम लेट्स गो पार्टी। तुम ये केस कैसे जीत गए मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सारे गवाह तिलक के खिलाफ थे, लगता है तुमने मोटी फीस ली है इस बार। देखो, मैं छोटा मोटा केस तो लेता हूँ नहीं, मुझे एक बहुत ही अच्छा केस मिल गया है। ये बताओ तुम लोग लाइफ में कब सेटल हो गए? तुम्हारी और अमृता की शादी कब होने वाली है? यार एक बात बताओ, मैं भी आखिर कब तक सेल्फी लेता रहूंगा? आर्या, अरे मतलब हम दोनों बहुत ही जल्द कपल फोटो लेंगे, ये कह रहा था। आर्या सर, सम कर्ली हेयर गाय इज कॉलिंग यू सर। कौन है? आई डोंट नो सर, ही इज वेटिंग आउटसाइड सर। ओके, आई विल बी बैक, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके, वन मिनट। एक्सक्यूज मी, I'm Vikram Sadhu, Chakravarti Group of Companies का मैनेजर। जानते हो क्या? कौन नहीं जानता आपको, आप तो बहुत ही फेमस हैं। फिनिश, थैंक यू। मेरे बॉस ने अपनी कंपनी का लीगल एडवाइजर तुम्हें बनाने का फैसला किया है। हमने देखा कि तुम उस केस को कितने प्यार से जीत गए थे। What is your choice? Sir, my choice is to say yes. कोई भी जॉब को मना कर सकता है? Very clever. ये लो, हमारा एड्रेस। तो कल शार्प 10 o'clock ऑफिस में आ जाना। Sure sir, thank you very much. Hi, can I join with you? Sorry. आर्या, कौन था वो? चक्रवर्ती ग्रुप ऑफ कंपनीज में मुझे जॉब का ऑफर मिला है। Wow, very nice. Please, you do what I say, okay? No arguments. Excuse me sir. ओह आर्या सर, यू वेट अ मिनट, बॉस के आने से पहले मैं तुमको सब कुछ बताता हूँ, ओके? तुम्हारी हाइट भी अच्छी है और तुम्हारी वॉइस भी अच्छी है। बचपन में तुमने काफी कॉम्प्लेन पिया है क्या? नहीं सर, मैंने बूस्ट पिया है। बूस्ट? बूस्ट पीने से तुम्हारी वॉइस एकदम मस्त हो गई है, लेकिन मेरी वॉइस, चलो जाने दो। वैसे आपके बॉस इतना लेट क्यों आते हैं? नो 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 नो, हमारे बॉस हमेशा करेक्ट टाइम पे आते हैं, लेकिन आज तो 5 मिनट अर्ली आ गए। माय बॉस इज ऑलवेज ऑन टाइम। इस वक्त तो हमारे ऑफिस की पार्किंग के अंदर होंगे। हमारे पास फुल स्टाइल में स्मार्टली गाड़ी से उतरेंगे। हैंडसम, मुंह में सिगार, और फिर स्टाइल से हाई स्पीड वॉक। हमारे बॉस की वॉकिंग स्टाइल इतनी शानदार है कि आजू बाजू की जितनी भी लड़कियां होती ना वो हो जाती है फ्लैट। और इस वक्त वो अंदर पहुंचने वाले हैं। ये कहां गया? ये बैठ गया?
सर सर गुड मॉर्निंग सर, आप कब आए सर? मुझे पता नहीं चला सर। मुझे यहाँ आए 3 मिनट हो गए हैं। अब ज्यादा बकवास मत करो, गेट आउट। सॉरी सर। सर मेरा नाम आर्या है। आई एम चक्रवर्ती, आई एम योर एफ। एफ का मतलब? एफ का मतलब फ्रेंड। ट्रीट मी एज योर फ्रेंड मैन। आई लाइक एफ वेरी मच इन माई लाइफ। तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों को जरूरत होती है दो एफ की, एक फिनांस और दूसरा फीमेल। ये दोनों हमारी कंपनी में आसानी से मिलेंगे। सर मैं आपकी कंपनी का लीगल एडवाइजर हूँ। मैं तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट केस देने वाला हूँ। क्या केस है वो? वो केस तुम्हें देने से पहले मैं तुम्हें एक टास्क दूंगा और तुम्हें पास करना होगा। हर टास्क में तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे। यू हैव टू ऑप्शन, आर यू इन और आउट, चॉइस इज योर्स। ऑफ कोर्स आई एम इन सर, पैसा जहाँ मिलता है वहाँ इन होते ही है। That's good. मैं तुम्हें दे रहा हूँ इस साम्राज्य का मंत्री पद, और इसे संभाल पाना इतना आसान काम नहीं। तुम्हें मेरे साथ अगर काम करना है तो दो एफ को भूलना पड़ेगा, फैमिली एंड फ्रेंड। तुम्हें मुझे पहली प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, मेरे बाद ही दूसरा कोई। वन मिनट, सॉरी सर, घर से मेरी माँ फोन करके बार बार मेरा सर खा रही है। फैमिली और फ्रेंड्स को छोड़ोगे तो तुम्हें गुड एफ मिलेगा। इस एफ का मतलब फ्यूचर। ओके। तुम्हारे अकाउंट में एडवांस सैलरी भेज दी जाएगी। थैंक यू सर। यू मे गो एंड हैव योर एफ। इस एफ का मतलब फन। तुम्हें तुम्हारे पहले टास्क के बारे में साधु बता देगा। यू मे गो नाउ। थैंक यू सर। फन कहता है, फन गो। वाओ, व्हाट अ मैन अमृता। वो और उसकी लाइफस्टाइल हम सोच भी नहीं सकते। अपने प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। हमारे तो पक्के अच्छे दिन आ ही गए हैं। हम सेटल हो जाएंगे अमृता, केस अटेंड करेंगे, महीने की 10 लाख रुपए सैलरी और रहने के लिए सुपर बंगला मिलेगा। I'm so happy. मिस्टर आर्या, ये केस उतना आसान नहीं है। हेलो, मैं तुम्हें सब डिटेल में बताता हूँ। पता है एक दिन क्या हुआ? फुल स्पीड से। नहीं, मैं तुमसे शादी करके बुरी तरह से फंस गया। ये सच है सर। इधर आओ जरा। मैं सर यहाँ बैठो। नहीं सर। हे, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। सच में सर? थैंक यू सर। लाइफ में सुख के लिए, प्रसन्नता के लिए, कंफर्ट के लिए, सबके लिए एक लिस्ट बना कर ले आओ। दुकान में कैसे जाऊं? मैं तो यही सोच रहा था सर। मैं एक मिनट में आता हूं सर, अभी बताता हूं। हां जाओ। बहुत अच्छा इंसान है तुम। मैं तो उन्हें बहुत गलत समझा था। मेरी बीवी ने क्या क्या मांगा था? वॉकिंग जाने के लिए 2 डॉग्स और बेड में लपेट कर सोने के लिए 2 टेडी बेयर्स चाहिए। सर लिस्ट रेडी है सर, थोड़ी सी छोटी है सर, आप गलत मत समझना सर। ये छोटी सी लिस्ट है बस, ये सर, ये हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा सर। मेरे ख्याल से आप मेरा दर्द समझ जाएंगे सर। ये सब देने के लिए नहीं है। ये सब नहीं हो तो जिंदगी कैसे खुश रहेगी ये बताना। ऐसा ही अजीब इंसान है। हमारे बॉस का टास्क कंप्लीट करने के लिए 3-3 दिल होने चाहिए। क्यों? किसी को बताने से पहले उनका दिया टास्क अगर आप कंप्लीट कर देते हो तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी। वो देखो, वहाँ खड़ा है हमारा ड्राइवर। उसे काम पर लगाने से पहले जानते हो उसके साथ क्या किया था? उसकी स्पीड और डेयरिंग को चेक करने के लिए उसे रोलर कोस्टर पर बिठाकर उसकी स्पीड और स्किल जानकर ही उसे काम पर रखा था। ये है हमारे बॉस का स्टाइल। That is our boss. Seriously? अरे ये कहानी छोड़ो, हमारे वॉचमैन का सिलेक्शन कैसे हुआ जानते हो? सबसे लास्ट में 3 वॉचमैन शॉर्टलिस्ट हुए। 24 घंटे उन्हें सोना नहीं था, ये सोचकर तीनों को एक ही कमरे में बिठा दिया। 24 घंटे में से 3 में से 2 यहाँ वहाँ सर करके लुढ़क गए, और सिर्फ एक ही बचा जिसने पलक तक नहीं झपकी एंड ही गॉट सिलेक्टेड। बेचारा हमारा वॉचमैन, वो तो सोना ही भूल गया है। तो ये बताइए आपका सिलेक्शन कैसे हुआ? अरे मैं बहुत होशियार हूँ, मेरा तो स्पेशल एपिसोड है। हमारे बॉस के आगे पीछे लड़कियाँ घूमती रहती हैं, और मैं बॉस का मैनेजर हूँ ना, तो मैं किसी से टैंप ना हूँ, इसलिए मेरा बॉस मुझे बिकनी पहना कर अपने साथ बिठा लेता है, वो भी लड़कियों के बीच, एक तो नहीं बहुत सारी, लेकिन मैं टैंप बिल्कुल नहीं हुआ। ये इतना आसान काम नहीं था भाई। यो
कैसा था मेरा टास्क? मैंने अपने बॉस को बेवकूफ बना दिया। तो उस टाइप क्या हो गया? हाँ, क्या आपकी शादी हुई है? बच्चे हैं? अरे वो डार्लिंग, कंपाउंड के अंदर रहने वाले घर वाले सिर्फ पत्थर मार सकते हैं, ऐसा नहीं है, बाहर वाले भी पत्थर मार सकते हैं। हेलो 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 हेलो, दैट इज माय पर्सनल लाइफ। सर मजाक कर रहा था, टेक इट इजी। आपके बॉस इतने अजीब क्यों हैं? अजीब नहीं है मैडम, वो हर इंसान की साइकोलॉजी को स्टडी करके उसकी परीक्षा लेना ही हमारे बॉस का असली उद्देश्य है। आप मुझे क्या टास्क देने वाले हो जरा बताइए। मैं जो गैस करूंगा वो नहीं बता पाएंगे, और जो वो बताएंगे वो मैं गैस नहीं कर पाऊंगा। तो ये सब मेरे से मत पूछो, मुझे इसमें मत घसीटो। फिलहाल टास्क नंबर वन, वो जहां बुलाएंगे बस वहां आ जाना बिना सोचे समझे। अभी मैं चलता हूं। बाय, थैंक यू। सर टास्क दे रहा हूं बोलकर आप मुझे मार्केट में ले आए हैं। मेरे दिए टास्क को पूरा कर, तुम जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में हो? वो बात नहीं है सर, इम्पोर्टेंट केस को छोड़कर मैं आपकी कंपनी में ज्वाइन हुआ हूँ। अगर तुम काबिल नहीं होते तो मैं तुम्हें ये जॉब ऑफर ही नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है सर, बस मैं आपकी कंपनी में काम करना चाहता हूँ। इधर आ, कहाँ जा रही है? अरे सुन कमीने की औलाद, एक लड़की को चार लोग घेर कर छेड़ रहे हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? दम है तो हमसे लड़कर उस लड़की के साथ जो करना है करो। रहने दीजिए सर, इन लोगों में अकल तो है नहीं, और वैसे भी हम लोग उसके बॉडीगार्ड तो है नहीं। सर तुमने बहुत सोच कर कहा है, और वो सीधा तुम्हारे पास ही आ रहे हैं। वो ताकत वाले हैं, तुम खुद इसे हैंडल करो। मैं? तुम? सर वो 40-50 लोग होते तो मैं फाइट करता, वो तो एक ही है। छोड़िए, जाने दीजिए, अच्छी बात नहीं है। अब इतनी हेकड़ी मत दिखाओ, लेकिन एक बात है, वो तुम्हें टच नहीं करेगा, तुम उसे टच मत करना। अपने ब्रेन को यूज करके तुम उससे बचने की कोशिश करो, और उससे मजबूर करो कि वो खुद तुमसे सेल्फी ले। आज जो तुम्हें टास्क दिया है वो यही है। ब्रेन यूज करूं? कूल बॉस, कूल कूल। तुम्हारी माँ महालक्ष्मी है ना? हाँ है तो। और वो ईस्टर्न मसाला कंपनी में काम करती है, मैं सही कराऊंगा? तुम्हें कैसे पता? कंफर्म बॉस, पक्का कंफर्म हो गया है। कहना क्या चाहते हो, बोल साफ साफ। बॉस उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी फिक्स करने के लिए मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारी कुंडली मिलाकर शादी फिक्स कर दी है। बॉस क्यों उस लड़की से पंगा ले रहे हो? बॉस जाने दो ना यार, हमारी मैट्रिमोनी कंपनी है बॉस। सच में? हाँ बिल्कुल। सॉरी बॉस, बात मेरी समझ में आ गई। सॉरी मुझे नहीं, जाओ पहले उस लड़की को बोलो। चलता हूँ बॉस। ओके बाय 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 बाय। बॉस वन सेल्फी बॉस। श्योर श्योर, चलो निकलो। थैंक यू बॉस, चलता हूँ बॉस, बाय बॉस, बाय बाय। बहुत बढ़िया, टारगेट का पहला चरण तुमने पूरा कर लिया, लेकिन तुम उसकी माँ के बारे में कैसे जानते हो? सर ये मावाली और गुंडे लोग किसी भी लड़की से प्यार करेंगे तो बहुत ही डीपली प्यार करते हैं, फिर वो लड़की एक्सेप्ट करे ना करे, उसके हाथ में एक शब्द लिखा है, उससे उसकी माँ है ये मैंने कंफर्म कर लिया। उसके टी शर्ट पर जरा नजर डाली है तो उस पर ईस्टर्न मसाला छपा है, मतलब उसकी माँ इस कंपनी में काम करती होगी, ये बात कंफर्म हो गई है। बस उसका बाप भी तो काम कर सकता है? हो तो सकता है सर, पर कभी कभी वाइल्ड गेस भी काम कर जाता है। वहाँ क्या वर्कआउट हुआ देख लो। अरे ओ बेवकूफ की औलाद, इसने जो भी कहा सब झूठ है, आकर बात करो। अब तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ और तुम वापस आ गए तो तुम ये टास्क जीत गए। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके सर, बाय बाय। ए वो हमारा शेर है, तूने उन्हें बेवकूफ बनाया क्या रे? सूट क्या लूज कर रहा है तू, मारेगा क्या? भाई सूट लूज करते हैं तो बॉडी मूवमेंट आसानी से होती है, इसलिए ऐसा किया। ए तुझे घर जाना पसंद नहीं है क्या रे? तूने चश्मा क्या पहना हमारे सामने? बस यूं ही स्टाइल के लिए। अपन 8 है यहाँ पे, तू अकेला है, तेरे अंदर इतनी हिम्मत है क्या? तुम लोग 6 लोग हो। काला चश्मा पहनकर अंधा हो गया क्या? अपन 8 है, एक बार ठीक से गिनते गए। 6 लोग हो, 2 लोग मारे या ना मारे ये सोचते रहेंगे, सिर्फ 6 लोग लड़ेंगे, ये 2 लोग तमाशा देखते रहेंगे कि मारूं या ना मारूं, वो लोग तुम लोगों का हाल देखकर यहाँ से भाग जाएंगे। फालतू की बकवास बंद कर रहे।
नया सूट है यार। ये लो पकड़ो तुम्हारे लिए की। यस yes, तुम्हें जो टास्क दिया गया वो तुमने पूरा किया तो बॉस ने खुश होकर फ्लैग गिफ्ट कर दिया। बस तुम इसी तरह हर टास्क कंप्लीट करते जाओ तो तुम्हें अलग अलग गिफ्ट मिलते रहेंगे। श्योर इस तरह से हमें मिलते रहेंगे ना। यस 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 यस। ओके कैरी ऑन। बाय। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय सर। बाय। मां। हां मां। क्यों चिल्ला रहे हो? दूसरे कपड़े पहन लो, यहां से हमें निकलना है। पर क्यों? नए घर में मां। किसका घर? माय फ्लैट मॉम, न्यू फ्लैट। ये घर छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। माँ ड्रामा मत करो, जल्दी कपड़े पैक करो और चलो यहाँ से मेरे साथ। आर्या, कल तक तुम पेट्रोल के लिए पैसे मुझसे मांग रहे थे और अब अचानक से तुमने अपना घर भी बना लिया। इतनी जल्दी फ्लैट खरीदने के पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आ गए? अपने दिल पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुमने ये पैसे ईमानदारी से कमाए हैं, तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो सही नहीं है। सही नहीं है? क्या सही नहीं है माँ? नीचे से लेकर ऊपर तक देश में राज करने वालों में से कौन सही है? मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। तुम्हें समझाऊंगा तो तुम नहीं समझोगी माँ। मैं अभी इस घर में नहीं रुक सकता। तुम जल्दी से कपड़ा पैक करो, हम लोगों को यहाँ से जाना है। मुझे इस घर में जो सुकून मिलता है वो तुम्हारे फ्लैट में नहीं मिलेगा। मैं तो यहीं रहूंगी। समझ गया, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा जब दिल करे तब आ जाना, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगा। ओके बाय। यह है मेरा ड्रीम हाउस। इंटीरियर जैसा हम चाहते थे वैसा ही है, लेकिन हम यहाँ कोर्ट और केस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तुम आराम से रहो, रानी की तरह रहो, बस खुश रहो। इतने बड़े घर में मैं अकेली रहूंगी क्या? नहीं नहीं, आसपास के लोगों को यहाँ लेकर रह सकती हूँ। मजाक मत करो ना। नहीं मजाक नहीं करूंगा, माँ बेचारी बहुत नाराज है। उसकी नाराजगी निकल जाने के बाद उसे साथ में यहाँ लेकर आएंगे, तब तक तुम यहाँ पर अकेली रहो। ठीक है, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूँ, लेकिन तुम डेली जल्दी घर आ जाना। ओके ट्राई करूंगा। आर्या, ये कैसी आवाज है? Thank you.
आर्या तुम? इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आर्या, मुझे लगा कि यहाँ कोई और भी है अंदर। हाँ। तुम्हारा सर, यहाँ कोई भी नहीं है। नहीं आर्या, मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम फालतू में डिस्टर्ब मत करो, हाँ मुझे नींद आ रही है, चलो यहाँ से। आर्या एक बार फिर। ए प्लीज कम यार। बेंगलुरु चर्च स्ट्रीट में बॉम्ब ब्लास्ट के साथ संबंध रखने वाले जाकिर खान को उस केस के सिलसिले में सुनवाई के चलते कोर्ट में पेश करने वाले हैं। उनका कहना है कि वो केवल इस्लाम के धर्म गुरु हैं। इस मामले में संबंध रखने वाले अयूब खान के साथ उनका संबंध है, ऐसा हमारी पुलिस का कहना है। उनकी तरफ से लड़ने वाले वकील रघुवर्धन प्रसाद कोर्ट में मौजूद हैं। अब देखना है कि इस मामले में कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाती है। हम सबको इस फैसले का बेसब्री से इंतजार है। अब देखना ये है कि कोर्ट का फैसला आखिर क्या होता है, किसे राहत मिलती है और किसे सजा। इस केस के लिए ये लाओ वो लाओ, परेशान हो गया हूं मैं। सारे सबूत इकट्ठा करने पड़ रहे हैं। अरे जज साहब आ गए, जो मैं मांगू सिर्फ वही देना। तुमने सब रेडी कर लिया है ना? हाँ, केस की फाइल मुझे दो। ओके। हाँ उसे बुलाओ। जाकिर खान। ये है क्या जाकिर खान? जब अरेस्ट हुआ था तो पतला था, अभी तो मोटा हो गया है। लगता है जेल में खाना अच्छा मिलता है। हाँ कौन है पब्लिक प्रोसिक्यूटर? योर ऑनर मैं हूँ। डिफेंस? वो हमेशा की तरह गैर हाजिर है आज भी योर ऑनर। अच्छा क्यों? रघुवर्धन प्रसाद जी कल रात एक एक्सीडेंट में मारे गए जज साहब। बेचारा। डिफेंस लॉयर के हाजिर ना होने के कारण इस केस की सुनवाई सितंबर 29 तारीख को की जाएगी। इस केस में तू बचेगा नहीं। तू याद रखना, तेरे साथ भी वही हश्र होगा जो मेरे साथ होगा। मैं तुझे ऐसी सजा दिलवाऊंगा, इंशाल्लाह मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, मेरा नाम जाकिर खान है, मुझे नया वकील चाहिए। इंशाल्लाह मैं जल्द यहां से बाहर आऊंगा। बॉम्ब ब्लास्ट में संबंध रखने वाले जाकिर खान केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर कर्नाटक में जाकिर खान का बहुत लोगों के साथ संबंध है, ये पता चला है। इस घटना के लिए सीबीआई की स्पेशल टीम इस केस पर जांच करने वाली है, ऐसा कहा गया है। सर, अपने अंडर काम देंगे क्या? सर, काम सर, सर प्लीज असिस्टेंट बना लीजिए सर। हाँ? सर, आपसे बहुत दिनों से काम मांग रहा हूँ, लेकिन आप मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे सर। अगर आप चाहें तो मैं आपको पैसे दे दूंगा सर। 0306 कल ऑफिस में आ जाना। वंडरफुल शॉट सर, सुपर्ब। सर आपके इस लुक और स्टाइल से आप मूवी स्टार बन सकते हैं सर। आपको भी दुनिया वाले क्रेजी स्टार का नाम दे देंगे सर। आज तुम्हें यहां बुलाया है सेकंड टास्क के लिए, रेडी हो ना? फोन ले लो। 98453-91883 कॉल करो। सर ये तो मेरी माँ का नंबर है सर। ये तुम्हारी माँ का ही नंबर है। 20 मिनट तक अपनी माँ से बात करो। सर मैंने सोचा था कि आप कोई टास्क देंगे, लेकिन आप तो मुझे फोन पर बात करने को कह रहे हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आया सर। समझ नहीं आया? देखो अगर तुम सोचने लगोगे तो समझ में आएगा।
और जब समझ में आ जाएगा तो सोचना नहीं चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, ये समझ में आ जाए, समझो समझ में नहीं आएगा, समझ गए? समझ गया सर, लेकिन हाफ समझाओ। जाते जाते अपनी माँ से बात करो, इस टास्क में जीत गए तो वहाँ जो खड़ी है ना BMW कार, वो तुम्हें मिल जाएगी। माँ से बात नहीं करूँगा तो और किससे बात करूँगा सर, वो जन्म देने वाली माँ है सर, अभी फोन करता हूँ। माँ मैं बाद में फोन करता हूँ, बाय बाय। मैं बाद में फोन करता हूँ माँ। माँ अभी मैं बिजी हूँ, फोन रखूँ माँ। हेलो आर्या। हेलो माँ, तुम ठीक तो हो ना? तुम 100 साल जियोगी बेटा, मैं खुद ही तुम्हें फोन करना चाह रही थी और देखो सामने से तुम्हारा ही फोन आ गया। टाइम मिलेगा तो मैं तुमसे बात करता रहूँगा माँ। तुमसे बात करती हूँ तो ठीक रहती हूँ, ये टेबलेट, ये दवाइयाँ, इन सब से कुछ भी नहीं होता। आर्या, योर टाइम इज अप, यू वन द टास्क। ओके ओके, बाय बाय। कल तो मेरे फेवरेट प्लेस में मिलने के लिए आना। थैंक यू सर, मैं चलता हूँ। एंजॉय। सर गुड मॉर्निंग सर। तुम इतना लेट क्यों, बीवी भाग गई क्या? सर घर में घड़ी आधा घंटा फास्ट है, फिर भी मैं आधा घंटा लेट हो गया, पता नहीं कैसे सर। ये पहली बार नहीं है, हमेशा ऐसा होता है तुम्हारे साथ। आप सही कह रहे हो सर। और सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही सर, आप सारे टास्क सिर्फ आर्या को दे रहे हैं और उसे पैसा कमाने का मौका भी दे रहे हैं, एक चांस मुझे भी तो दीजिए ना सर। तुम्हें एक चांस चाहिए, बस यही ना? यस सर। ओके, मैं एक नंबर देता हूँ, डायल करो। बताइए सर। 9916438861 पर फोन करो। हेलो हाउ आर यू कहकर फोन रख दो, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए देता हूँ। इतना इजी टास्क दे रहे सर? अरे सर 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 सर, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं सर, ये मुझे अभी पता चला सर, आप फोन नंबर बताइए ना सर। 9916438861। कनेक्ट हो जा, कनेक्ट हो जा, 20 लाख का सवाल है, कनेक्ट हो जा। सर सर कॉल कनेक्ट नहीं हो रही है सर। अरे ओ डफर कहीं के, ये तेरा ही नंबर है। ये तो मेरा नंबर है। कुत्ते को एफिल टावर में ले जाएंगे तो वो क्या करेगा? वहां पर सूसू करेगा क्या? सच में? समझ गया, मुझे बिल्कुल बना दिया, मेरी औकात डॉगी जैसी भी नहीं छोड़ी। मैं दिखाऊंगा इसे सबक, सिखाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या सबक सिखाओगे? क्या कहा सर? तुम अपने दिमाग की बात चिल्ला कर सुना रहे हो, समझे? ये ला पकड़ो। बॉस अपना कमीनापन नहीं छोड़ता है। हेलो सर। गुड, तुम हमेशा सही समय पर आ जाते हो, आई लाइक इट। सर टाइम से पहले आओ तो काम नहीं है कहते हैं, टाइम से लेट आने पर काम पर मत आओ कहेंगे, सही टाइम पर आए तो चक्रवर्ती कहेंगे काम के लिए, ये बिल्कुल सही बात है। एग्जैक्टली, दिस इज माय एफ प्लेस, मतलब मेरा फेवरेट प्लेस। ओके, अपनी जिंदगी में मैं इस समय सबसे टॉप पर हूँ, ये मुझे महसूस कराता है, इस जगह से मुझे बहुत खुशी मिलती है। तुम्हें जब भी मुझसे मिलने की इच्छा हो तुम यहीं पर आ जाना। ओके आर्या, आज मैं तुम्हें फाइनल टास्क देने जा रहा हूँ, अगर तुम इसे जीत गए तो मेरे साम्राज्य के तुम ही अधिकारी बनोगे। आर यू रेडी? ऑफ कोर्स सर, आई एम रेडी। अब एक बार तुम यहाँ से नीचे देखो। सर हाइट से मुझे डर लगता है, आई हैव एन एक्रोफोबिया। इस ऊंचाई से ही तुम्हें नीचे गिरना है, यही तुम्हारा टास्क है। सर ऐसा मत कहिए, आपके जैसी पर्सनालिटी वाले को कॉमेडी बात करना अच्छा नहीं लगता। अभी तक तुम्हारे साथ मैंने कौन सी कॉमेडी की है बताओ, मजाक करना या फिर टाइम पास करना मेरी आदत नहीं है। मैं यहाँ से नीचे गिरकर मर जाऊँ तो आप मेरी डेड बॉडी को कैच देंगे? नहीं, मैं तुम्हें दूंगा, उसके लिए तुम्हें यहाँ से नीचे कूद कर अपना टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं सर, यहाँ से नीचे गिरूंगा तो मेरी हड्डी तक नहीं मिलेगी?
सर, आप स्किल टेस्ट करने के लिए स्कल ओपन करना चाहते हैं? मैंने कहा कि मुझे हाइट से डर है, तो मुझे वहां से धक्का देकर आप यहां आराम से आइसक्रीम खा रहे हैं? आप जान की कीमत जानते नहीं है क्या? मजाक करते हैं आप? आर्या, तुम्हारी बायोडाटा जानकर, तुम्हें टास्क देकर, तुम्हें सिलेक्ट करके, तुम्हारे ऊपर करोड़ों रुपया खर्च करने वाला मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। आई नो व्हाट आई एम डूइंग। सर, मैं मेरी माँ का एक लौता बेटा हूँ। मैंने अब तक शादी भी नहीं की है और मुझे लाइफ में बहुत एंजॉय करना है सर, लेकिन मैं लालच की वजह से कष्ट नहीं उठाऊंगा। जिंदगी में जितने भी कष्ट आते हैं वो तुम्हें बर्बाद करने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत करने के लिए है। मैंने कहा और तुम्हें जम कर जाना चाहिए था। इट्स ओके, मैं तुम्हें पास करता हूँ। पक्का आप इससे पहले किसी स्कूल में मॉरल साइंस के टीचर रहे होंगे? See you at 10 o'clock. सर वो तो तुम्हारे अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट हो गया है। आज मेरा बर्थडे है, आर्या मुझे कोई सरप्राइज देगा क्या? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके, मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। बाय अमृता। आर्या एक मिनट। आर्या, आज मेरा बर्थडे है, तुम भूल गए क्या? हैप्पी बर्थडे अमृता। काम के टेंशन में सीरियसली मैं भूल ही गया था। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं। लेकिन तुम मुझे एक प्रॉमिस करो। आज मेरे साथ पूरे दिन शॉपिंग करोगे? अगर पैसे रहेंगे तो हर रोज शॉपिंग कर सकते हैं, हर रोज के हर घंटे शॉपिंग कर सकते हैं। तुम एक काम करो, ये डेबिट कार्ड पकड़ो, जितनी शॉपिंग करनी है करो, जितना खर्च करना है करो, बट शाम को मैं काम खत्म करने के बाद घर आता हूं, देन वी विल हैव फन। ओके, हैप्पी बर्थडे, टेक केयर, बाय। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग, बैठो। थैंक यू सर। आर्या। सर, मैं तुम्हें एक खास केस देना चाहता हूँ। आर यू रेडी टू हैंडल इट? आई एम ऑलवेज रेडी सर। ओके, तुम उस जाकिर खान को जानते हो? सर, वो रिसेंटली बॉम्ब ब्लास्ट केस में अरेस्ट हुआ है ना, उसे पक्का कड़ी सजा मिलेगी सर। उसी कड़ी सजा से तुम उसे बचाओगे? वो बेगुनाह है ये तुम्हें साबित करना है, और ये केस मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सर, सारे टास्क तो खत्म हो गए हैं, लेकिन ये तो सबसे बड़ा टास्क है। उसे गन के निशाने से छुड़ाना बहुत ही मुश्किल बात है, कोई चांस नहीं है सर। सर, मैं फूल हूँ क्या जो आपकी बात नहीं मानूंगा? 100% तकलीफ तो होगी, लेकिन काम हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर ये तुमसे नहीं होगा तो मैं दूसरे लॉयर को ले लूंगा, और तुम मेरी कंपनी से रिजाइन करके जा सकते हो। यू हैव टू ऑप्शंस। सर, माय ओनली ऑप्शन इज टू विन सर, आई एम विनिंग दिस केस। मैंने तो एक डिफेंस लॉयर को अपॉइंट किया था, लेकिन उस जाकिर को भरोसा नहीं था, उसने उसे मरवा दिया, तो अब तुम जाकर उससे मिलो। ओके, बट जाकिर खान तो एक पाकिस्तान का आतंकवादी है, उसमें और आप में क्या संबंध है सर? जब तुम्हें ये बात जाननी चाहिए तब तुम जान जाओगे। इस समय जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो बहुत स्ट्रांग है, तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना हो। ओके सर, वो सब कुछ तो मैं देख लूंगा। तुम इस टेररिस्ट का साथ दे रहे हो ये जानकर ये जनता, टीवी चैनल वाले, सोशल मीडिया में, इनफैक्ट पूरा देश ही तुम पर नाराज होगा। उन सबको फेस करने के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। सर, मेरे पास काम नहीं था तब मुझे किसी ने खाना नहीं खिलाया, जब काम चाहिए था तो मुझे देश में किसी ने काम नहीं दिया। यहाँ सिर्फ पैसों की ही इज्जत है, और वो मुझे आप दे रहे हैं। दैट्स व्हाई आई केयर ओनली फॉर मनी, नथिंग एल्स। इस केस को जब मैं जीत कर दिखाऊंगा तभी आप मुझे मानेंगे सर। That's a good attitude. और इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है। You are a daredevil. Daredevil नहीं सर, Royal Challenger of the City. बहुत घटिया जोक था ये। वो जाकिर खान बहुत ही खतरनाक आदमी है, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा उससे। ओके सर। सर आप नहीं आओगे क्या? That's not my job. तुम्हें एक घंटे में जेल के अंदर पहुंचना होगा, नहीं तो विजिटिंग आवर्स खत्म हो जाएगा। ये लो, ये जाकिर की फाइल है। थैंक यू सर, आई विल टेक केयर ऑफ दिस, डोंट वरी, मैं मिलता हूँ आपसे।
भगवान श्री कृष्ण ने अपने लोगों में ही जंग छेड़ी। सर, आई एम योर एडवोकेट। चक्रवर्ती सर ने मुझे भेजा है इस केस के बारे में पूरी स्टडी करने के लिए। क्या बोला तूने? फिर से बोल। सर, मैं आपका एडवोकेट हूँ। मुझे चक्रवर्ती सर ने भेजा है आपके केस के बारे में स्टडी करनी है। वो मैंने कर ली है। और जिगर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ताकत। ताकत। मेरा केस लड़ने के लिए ताकत चाहिए जो तुम्हारे में नहीं है। ताकत तो मेरे अंदर बचपन से ही है सर। क्या बोला? नहीं सर, आपने जो भी बोला सही बोला। लेकिन मुझे हिंदुस्तानी लोगों पर भरोसा नहीं है। जबोरे इस्लाम, इस्लाम को भरने नहीं दे रहा। तू केस लड़ेगा, मुझे तुझ पर भरोसा नहीं। सर, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम तो है नहीं। आप मेरे क्लाइंट हो, मुझे ये केस जीतना है। अगर आप कोऑर्डिनेट करेंगे तो मैं बाकी सब देख लूंगा। तुझे काम आता है कि नहीं? नहीं आता है तो दूसरा वकील लेकर आऊंगा कश्मीर से। बैठ। अब सुन, जो मैं कहता हूं वही कर। वाओ, हैप्पी बर्थडे अमृता। आर्या, मुझे पता है तुमने ही ये सरप्राइज दिया है मुझे। कहाँ हो तुम? मेरे सामने आ जाओ जल्दी से। आओ ना आर्या। आर्या, आर्या, आर्या। आर्या प्लीज फोन रिसीव करो। आर्या प्लीज फोन उठाओ। आर्या मेरे अलावा और तुम्हारे अलावा कौन है यहाँ पर? नहीं आर्या, इस घर में कोई तो है जो मुझे फॉलो कर रहा है।
पहले हम छोटे घर में रहते थे, ये बहुत ही बड़ा घर है, तो यहाँ पर वहम होते रहेंगे और कोई बात नहीं है। नहीं आर्या, प्लीज आर्या, हम इस घर से चले जाएंगे। अमृता, कूल, प्लीज आर्या, बी कूल, यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, कूल, कूल। सुनो जय। सर। उस कैंटीन वाले को हाँ दोपहर के समय में खीर खाना है, जाके बोल दो। ठीक है सर। और अभी मौसम्मी का जूस लेकर आओ। ओके सर। तो आप ही है ना डिफेंस लॉयर? सर। क्या नाम है आपका? सर आर्या। सर आर्या? आर्या मतलब वो एमएलए ब्रदर के रेप केस को आपने ही हैंडल किया था? जी हाँ सर, बिल्कुल। फिर तो सब उल्टा ही होगा। यू प्रोसीड। ओके योर ऑनर। योर ऑनर, जाकिर खान इस नाम का ये आदमी मूलतः पाकिस्तान का रहने वाला है और ये आदमी सन 1998 में पाकिस्तान से कश्मीर आ गया। अपनी पहली बीवी को छोड़कर ये वहाँ पर धर्म का प्रचार करने के लिए भाषण दिया करता था और इस तरह इसने अपनी खुद की पहचान बनाई। इस्लाम धर्म के नाम पर इसने सबको बेवकूफ बनाया। इस आदमी के बारे में एक खास बात है जो मैं इस न्यायालय के सामने अभी रखना चाहता हूँ। ये मासूम लोगों को भटकाता है। इतना ही नहीं, धर्म के नाम पर ये आदमी आज के यूथ को भटकाकर उन्हें आतंकवाद की तरफ धकेल रहा है। इसके कारनामों का अमेरिकी सरकार ने खंडन किया है और इस पर बैन लगाया है। सही बोल रहा हूँ ना? योर ऑनर, मैंने तो बस अभी इसका शुरुआती परिचय ही दिया है, अब इसके आगे सुनिए। सन 2009 में बेंगलुरु में एक चर्च मार्ग पर, मतलब चर्च स्ट्रीट पर, मेरा मतलब है कि सिटी के पास, सेंट्रल सिटी के अंदर ही एक विस्फोट हुआ। रुको 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 रुको, ये क्या सीडी डीवीडी बोल रहे हो? योर ऑनर, मेरा मतलब है विस्फोट, धमाका, धमाका हुआ। यस योर ऑनर, यस योर ऑनर। तुम सीधे सीधे बम नहीं बोल सकते हो क्या? योर ऑनर, ऐसे लोगों का मैं विरोधी हूँ और इसीलिए मैं अभी आपके सामने ऐसे शब्दों पर ज्यादा जोर देकर बताने पर सहज महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए माफी चाहता हूँ। आई एम सॉरी योर ऑनर। आगे बढ़ो। योर ऑनर, ये चर्च स्ट्रीट अथवा क्राइस्ट देवालय का जो रास्ता है, वहाँ हुए बम विस्फोट का आरोपी है करीम खान, मतलब उसके साथ इसका संबंध है, इसीलिए पुलिस ने पकड़कर इसे यहाँ पर पेश किया है। सही है ना? मेरे पास इसके सबूत हैं और वो सबूत मैं आपके सामने पेश करूंगा, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पर एक नजर डालिए प्लीज। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट जाकिर खान। मेरा नाम जाकिर खान है, ईमान मुसलमान, इस्लाम को दुनिया भर में पहुंचाना मेरा काम, सच्चा मुसलमान दुनिया भर में इस्लाम को फैलाने का काम करता है, लेकिन लोग उन्हें बदनाम करते हैं और कहते हैं कि वो टेररिस्ट हैं और इस्लाम फैलाने वाले गलत और झूठे हैं। आप चुप हो जाइए। क्यों चुप रहूं मैं? इस्लाम का क्या मतलब है? सूरह बकरा चैप्टर नंबर 67, आप सुनिए, सुनिए, चुप हो जाओ, सुनिए, आप सुनिए, इस्लाम मुसलमान, मुसलमान, सुनिए। मिस्टर आर्या। सर, आपने अपने क्लाइंट को समझाया नहीं कि बात कैसे करनी चाहिए? सॉरी योर ऑनर। योर ऑनर, इनके दिए सबूत और गवाह, इनके बारे में जानने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। योर ऑनर, ओके, ग्रांटेड, थैंक यू योर ऑनर। इस केस की सुनवाई को अगले महीने की 9 तारीख तक बढ़ाया जा रहा है। उस जैसे जाके बोलो मौसम्मी का जूस मेरे कैबिन में लेकर के आए। ठीक है सर। द कोर्ट इज अर्जेंट। हेलो, सुनो आर्या। हाँ। मैं बोल रही हूँ बेटा। हाँ बोलो माँ। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे कुछ नहीं हुआ है माँ, तुमने फोन क्यों किया ये बताओ माँ। आर्या। हाँ। सुनो, तुम बिल्कुल भी सही काम नहीं कर रहे, सारा देश जानता है कि वो देशद्रोही है, तुम उसका साथ क्यों दे रहे हो बेटा? तुम जज हो या लॉयर हो, मुझे मेरा काम करने दो, मुझे क्यों तंग कर रही हो माँ? फोन रखो जल्दी से। बेटा सुनो, तुम फोन रखो माँ।
दिमाग खराब हो गया है या फिर मुझे पागल बना रहे हो? चक्रवर्ती बोल रहा है कि केस लो और लड़ो, और तुम मुझे कोर्ट में उंगली दिखाकर चुप बैठने के लिए बोल रहे हो? क्या समझ रखा है मुझे? चक्रवर्ती ने मुझे ये केस ऐसे ही नहीं दिया है, मेरी पूरी कैपेसिटी चेक करके फिर बाद में मुझे ये केस दिया है। वो जो भी अटैक हुआ है ना तुम्हारे ऊपर, वो किसने किया है? वो तेरे चक्रवर्ती ने। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल है वो। चक्रवर्ती मुझे बोल रहा है कि तुम्हें बाहर लेके आओ, और तू बोल रहा है कि अटैक उसने किया। अब दोनों के बीच में ये सब क्या हो रहा है? उससे ही पूछ ले। चेकमेट। हाँ आर्या। मॉर्निंग। बैठो। क्या हो गया तुम्हें? रक्तदान करके आ रहे हो क्या? हाँ सर, वो जाकिर खान को भरोसा दिलाने के लिए तुमने ही अटैक किया और तुमने ही उसे बचाया। गुड आइडिया। आपको कैसे पता चला सर? एक बात ध्यान से सुनो, डोंट टीच योर फादर हाउ टू हैव फन। सर एफ का मतलब? आज के बच्चों से पूछोगे तो बताएंगे चंदा मामा आएगा, चंदा मामा आएगा। ये खेल हम लोग बचपन में खेला करते थे, तुम्हें याद है? लेकिन मैंने वैसा खेल कभी नहीं खेला है, क्योंकि उस ऊपर वाले के साथ सेल्फी लेने की चाहत रखने वालों में से मैं हूँ। सर मैं भी आपके साथ सेल्फी लेने के लिए आया था, बट केस को रिसर्च करने से पता चला कि आपके साथ जाकिर खान का बहुत ही अच्छा कनेक्शन और लिंक है। रॉयल फैमिली के वहां से चुराए हुए एंटिक वस्तुओं को, दुबई के शेखों को, 500 रुपया भी कीमत ना रहने वाली चीजों को 500 करोड़ में बेचकर 500 करोड़ में से 400 करोड़ जाकिर खान को फंड ट्रांसफर करके 100 करोड़ आपने कमीशन लिए, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। काफी इन्फॉर्मेशन गैदर की है तुमने। उस 100 करोड़ रुपए में से अपने हिस्से के लिए इनडायरेक्टली ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे लगता है। सर ब्लैकमेल करने के लिए मैं ब्लैक टिकट बेचने वाला नहीं हूँ, ब्लैक कोट पहनने वाला लॉयर हूँ। क्या करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं सर, मैं चलता हूँ। थैंक यू। अमृता, आई वॉन्ट कॉफी। अमृता, पता नहीं कहां चली गई। अमृता, अमृता, आवाज कहां से आ रही है? अमृता, क्या हुआ है तुम्हें? आर यू ओके? क्या हो रहा है तुम्हें अमृता? आर्या, 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 आर्या।
क्या हुआ था मुझे? कुछ नहीं। फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? थोड़े दिन डॉक्टर की बात मानकर तुम यहाँ पर आराम से रहो, सब ठीक हो जाएगा। आर्या, मैं तुमसे क्या सवाल पूछ रही हूँ और तुम क्या जवाब दे रहे हो? घर में कुछ आवाज सुनाई दे रही है, तुमने कुछ देखा है, ये सब तुम्हारा वहम है अमृता। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है क्या आर्या? तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कर रही हो? जब देखो तब अजीब वगैरह बातें करती रहती है और उसके बाद पागल हो गई हूँ ये समझते हो तुम? फिजूल की बातें बंद करो। I have got so many things to do. I have to go now. आर्या प्लीज, तुम मेरे साथ रहो, मुझे छोड़कर मत जाओ। बच्चों की तरह हरकतें मत करो। Be practical. Don't be an emotional fool. वहाँ पर बहुत काम है, केस है. I am making so much of money. This is the time to make money. I have to go now. Trust me, everything will be okay. मैं चलता हूँ। आर्या, प्लीज आर्या, मेरी बात मानो। आर्या। डिफेंस लॉयर आर्या। योर ऑनर, यू कैन प्रोसीड। पिछले सेशन में हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जाकिर खान और करीम खान का साथ रहने वाला एक फोटो सबमिट किया था सर। उनको जवाब देने के लिए हमारे पास कुछ फोटोज हैं, ये जरा आप देख लीजिए सर। क्या है ये? ये आदमी रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान सबके साथ फोटो निकाला है। योर ऑनर मेरी बात सुनिए। योर ऑनर सुनिए, यहाँ पर एक आपत्ति है। क्या कहा? मुझे आपत्ति है। ऑब्जेक्शन है? जी योर ऑनर। ऑब्जेक्शन है तो ऐसा मेरा वही मतलब था। देखिए योर ऑनर, प्रसिद्ध लोगों के साथ ये जो फोटोज हैं, इसे कोई भी, ये भाई साहब, मैं या हम में से कोई भी खिंचवा सकता है। ये कोई बहुत बड़ा सबूत नहीं है योर ऑनर, इस पर गौर ना किया जाए। एग्जैक्टली योर ऑनर, मेरा पॉइंट भी बिल्कुल वही है। कल हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के कहने के आधार पर मेरे क्लाइंट के मलेशिया, यूके, यूएई, अमेरिका में सब जगह पर फॉलोवर्स हैं और जाकिर खान को धर्म गुरु मानकर उनको सम्मान देते हैं। तो कोई भी इनके साथ फोटो निकाले तो ये क्या टेररिस्ट है या क्या टेररिस्ट के साथी हैं ऐसा कहेंगे। तो इनके साथ साथ सलमान खान, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, इनको भी तो अरेस्ट करना चाहिए। आई ऑब्जेक्ट। और एक पॉइंट है योर ऑनर, सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, स्टेट वर्सेस संजय दत्त, साल 1993 से चल रहा है। संजय दत्त और दाऊद इब्राहिम में कुछ संबंध है ऐसा फोटो में दिखाया गया है। बट कोई एविडेंस हो तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से केस के लिए सबूत देते, उसी तरह इस केस के लिए रेफरेंस दिया गया है। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त डिफेंस लॉयर मिस्टर आर्या ने इस अदालत में अभी तक जो कुछ भी कहा है वो मेरी समझ में आ गया, मगर फिर भी मैं अदालत से अनुरोध करता हूँ कि मुझे एक दृश्य यंत्र के द्वारा एक वीडियो को दिखाने की अनुमति प्रदान करें। क्या है वो? एक मिनट योर ऑनर, मैंने जो आपसे कहा वो ये है, दृश्य यंत्र। डीवीडी? जी हाँ योर ऑनर। तो पहले बताना चाहिए ना। मैं ठीक है, इसे दिखाने का इंतजाम करो। इस्लाम को हमें बचाना होगा, हमें उसके लिए जिहाद करना होगा, अल्लाह को मंजूर होगा, हमें ये कुर्बानी देनी होगी, हर मुसलमान को ये। मिस्टर आर्या, इसका क्या जवाब देंगे आप? योर ऑनर, मेरे पास भी एक सीडी है, अगर परमिशन दे तो मैं उसे प्ले करता हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये दिखा सकते हैं। दिखाओ। ये 4G नेटवर्क, मेरे साथ 3G नेटवर्क नहीं है। ये क्या है योर ऑनर? योर ऑनर, आई ऑब्जेक्ट। योर ऑनर, आई ऑब्जेक्ट ऑन दिस। हाँ, समझ रहे हैं, सब्र कीजिए। अरे ये क्या है, राजकुमार किस भाषा में बात कर रहे हैं? योर ऑनर, इसका विरोध होना चाहिए, ये अदालत का अपमान है, ये सिर्फ अदालत के वक्त की बर्बादी है। योर ऑनर, इस वीडियो का इस केस से क्या संबंध है? योर ऑनर, हम सब ने डॉक्टर राजकुमार का वीडियो देखा और ऑडियो भी सुना, लेकिन यहाँ प्ले हो रहा है कुछ और। टेक्नोलॉजी के इम्प्रूव होने की वजह से वीडियो कुछ और दिखाई दे रहा है, ऑडियो कुछ और सुनाई दे रहा है, ये सब कुछ डब किया गया है। इसमें तो वीडियो की भी क्लैरिटी नहीं है और ऑडियो की भी क्लैरिटी नहीं है। इनका कोई भी एविडेंस ये प्रूव नहीं कर पाया है कि मेरे क्लाइंट जाकिर खान अफगानिस्तान के हैं या पाकिस्तान के हैं। वो कोई टेररिस्ट नहीं है, वो एक धर्म गुरु है, वो एक रेस्पेक्टिव पर्सन है, ये मैं कोर्ट को बताना चाहता हूँ। यहाँ पर सारी बातें साफ हो जा रही हैं। अगर ये जाकिर खान धर्म गुरु हैं तो इनकी जन्मभूमि कहाँ है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनका व्यवसाय क्या है, ये करते क्या हैं, इनका परिवार कहाँ है, इनके रिश्तेदार कहाँ हैं, ये सारी जानकारी अदालत के सामने प्रस्तुत की जानी चाहिए। योर ऑनर, किसी भी गवाह को तुरंत हाजिर नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि जाकिर खान पिछले 2 सालों से जेल के अंदर था, उसके साथ संबंध रखने वाले लोगों के साथ कॉन्टेक्ट करने के बाद ये जो जो मांगने की बात कर रहे हैं, जैसे कि आईडी कार्ड, रेशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सब कुछ सबमिट करता हूं सर, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। योर ऑनर, योर ऑनर, ऐसा जघन्य अपराध करने वाला ये आदमी फिर से कोई कांड ना कर दे, इस बात के लिए अदालत को सावधानी बरतनी चाहिए और इस आदमी को कड़ी से कड़ी
सजा दी जाए, ऐसा मेरा अदालत से अनुरोध है, ताकि समाज में धर्म प्रचारक आगे से बदनाम ना हो। बस मुझे इतना ही कहना था। योर ऑनर, किसी भी चीज को, फिर चाहे वो विटनेस हो, उसे पेश करने में टाइम चाहिए होता है। इसके लिए आपसे विनती करता हूँ योर ऑनर, जो आपने मांगा है वो सारी चीजें आपके पास मैं सबमिट करूंगा। योर ऑनर, आप मेरी बात सुनिए। ठीक है, ओके ओके ओके। डिफेंस लॉयर को टाइम चाहिए। 3 days granted. थैंक यू योर ऑनर। आर्या, जाकिर खान के केस को ड्रॉप करोगे क्या? क्यों सर, मेरी कैपेसिटी पर आपको डाउट हो रहा है क्या? तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी हॉस्पिटल में है, उसके पास रहकर उसकी मदद करनी चाहिए। इसलिए सर, मेरी फैमिली के साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, ये सब आपको कैसे पता चल जाता है? तुम मेरे फ्रेंड हो आर्या, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तुम्हें जान से चाहने वाली लड़की इस समय हॉस्पिटल में है, तुम इस केस को कैसे हैंडल कर पाओगे? अगर तुम चाहो तो इस केस को ड्रॉप कर सकते हो। मैंने जो पैसा तुम्हें दिया है उसे तुम रख लो, और इस समय तुम्हारे पास दो ही ऑप्शंस हैं। सर, हॉस्पिटल जाकर, उसके पास जाकर प्यारी जानू कहने से क्या मिलने वाला है? पैसा हो तो डॉक्टर आएंगे, डॉक्टर के साथ नर्स रहेंगी। मैं तो बस देखूंगा अपना कोर्ट केस और पैसा, ये मेरा ट्रैक है और मेरा ट्रैक चेंज नहीं होगा। तो फिर तुम्हारे हिसाब से पैसे से तुम सब कुछ मैनेज कर लोगे? यस, मनी इज एवरीथिंग, इजंट इट? डिफेंस लॉयर आर्या। यस सर। डॉक्यूमेंट सब लाए हो ना? यस सर। आपने मांगे हुए ये रेशन कार्ड, आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ये सब इसमें है, आप चेक कर लीजिए। अरे ये क्या है, ये जाकिर खान तो बेंगलोर का रहने वाला है, गौरीपल्ली का। योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये जो दस्तावेज है, क्या मैं इन्हें देख सकता हूँ? योर ऑनर, मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स? ये क्या? जी योर ऑनर, दे दो। थैंक यू योर ऑनर, दिखाइए। योर ऑनर, ये नकली दस्तावेज है, नकली दस्तावेज है योर ऑनर। ये ऐसे दस्तावेज तो कोई भी बना सकता है योर ऑनर, कोई भी बना सकता है योर ऑनर। ये नकली दस्तावेज कैसे हो जाएंगे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक आप इनसे जरा पूछ लीजिए, इन्होंने नकली बनाए होंगे। मेरे काबिल दोस्त को गलतफहमी हो गई है, जाकिर खान के नाम पर बनाए गए सारे दस्तावेज नकली है योर ऑनर। सच्चाई ये है कि जाकिर खान बेंगलोर में पैदा ही नहीं हुआ, तो हम ये कैसे मान ले कि वो गौरीपल्ली में खेला और जीवनपल्ली में उसने पढ़ाई पूरी की? हम इन दस्तावेजों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं योर ऑनर? नहीं सर, एक व्यक्ति के पास आईडी कार्ड है, मतलब सरकार का दिया हुआ आईडी कार्ड है। अगर ये सबूत नहीं दिखाए तो क्या अपने माथे पर लिखकर घूमे? मुझे ये आईडी कार्ड सही है या नहीं है, आप इसे वेरीफाई कर लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। बस सुनिए मिस्टर खान, नुक्ता है खान। तो लीजिए, नुक्ता के साथ ही पेश करते हैं आपका नाम, मिस्टर जाकिर खान। जाकिर खान साहब से अट परीक्षा करूं क्या? योनो है अट परीक्षा योनो ना, अट परीक्षा, क्रॉस एग्जामिनेशन। हां, वही क्रॉस एग्जामिनेशन, ऐसे बोलो ना। अच्छा, तुम्हें कोई अपेक्षा, ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है योर ऑनर। हाँ, कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच योर ऑनर। हाँ तो बताइए जाकिर खान साहब, मेरे काबिल दोस्त कहते हैं कि आप बेंगलोर शहर में पले बड़े हैं।
बेंगलुरु में अगर गौरीपल्ली में आपका पालन पोषण हुआ है तो उसके पास एक बड़ा शहर है, उसका नाम बता सकते हैं आप क्या? बताइए। विजयनगर। विजयनगर लगता है यहाँ आने से पहले इनकी काफी अच्छी सी तैयारी करवा कर यहाँ पर लाए हैं इन्हें मेरे काबिल दोस्त। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जाकिर खान, अगर ये महाशय कर्नाटक के रहने वाले हैं तो कर्नाटक भाषा में कोई गाना हमें जरूर सुना सकते हैं, कोई भी गीत किसी भी मजहब का। बताइए जाकिर खान साहब, एक कन्नड़ गीत गाइए। गाइए गाइए। नहीं गा सकते, संभव ही नहीं है। ये कर्नाटक में पैदा हुए हैं, वहीं पे खेले कूदे हैं, वहीं पे पढ़ाई की है, सब कुछ वहीं पर किया है, मगर गीत गाना नहीं आता है। जिंदगी है तो जीना सीखो, जीना है तो जिंदगी से सीखो, ईमान से जोड़ो अपना नाता, ईमान का करो खुदा से वादा। जिंदगी है तो जीना सीखो, जीना है तो जिंदगी से सीखो, ईमान से जोड़ो अपना नाता, ईमान का करो खुदा से वादा। डॉक्टर राजकुमार की जय, डॉक्टर विष्णुवर्धन की जय, ऑटो राजा सरगरनाग की जय। ऑर्डर ऑर्डर। क्या है ये सब? ये भाई की तारीफ कर रहे थे इसलिए अभी तक चुप था, अब ये जय जय का नारा लगवा रहा है। व्हाट इज दिस मिस्टर आर्या? ये अदालत का अपमान है योर ऑनर। योर ऑनर, बैंगलोर के बॉम्ब ब्लास्ट में जाकिर खान का कोई संबंध नहीं है। जब ब्लास्ट हुआ उस समय मेरे क्लाइंट मलेशिया में धर्म प्रचार कर रहे थे और मलेशियन गवर्नमेंट ने इन्हें सम्मान देकर एक गर्वश्री का सर्टिफिकेट भी दिया है। योर ऑनर ये देखिए, आप इसे देखकर यकीन कर सकते हैं सर। मलेशियन गवर्नमेंट? यस योर ऑनर। क्यों डिफेंस लॉयर, इसने सर्टिफिकेट दिया है क्या? इन्होंने नहीं दिया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है क्या? जी हाँ योर ऑनर, मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे पास जो सर्टिफिकेट है वो यहीं पे मैंने रखे थे योर ऑनर। मेरे पास जो मुझे अभी थोड़ा सा और वक्त चाहिए योर ऑनर, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ योर ऑनर, इन्हें और तो ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैंने ये शर्ट पैंट पहनी है, मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, इन्होंने इस तरह के कपड़े पहने हैं, इन्हें टेररिस्ट आतंकवादी कहते हैं। बताइए ये कैसा न्याय है योर ऑनर? मेरे क्लाइंट एक धर्मगुरु है, वो एक समाज सेवक है और बेचारे पिछले 2 साल से जेल में तकलीफ सहन कर रहे हैं। बहुत सारे अनाथ आश्रम और कई वृद्धाश्रमों को इन्होंने दान दिया है योर ऑनर। अरे मेरे क्लाइंट को न्याय दे दीजिए, इन्हें जेल से रिहा करने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ योर ऑनर। ये हमारे देश के खिलाफ होगा, अगर ये खतरनाक आदमी समाज में बाहर चला गया तो ये कई मासूम लोगों को फटकाकर उन्हें आतंकवादी बना देगा और ये हमारे देश हित में बिल्कुल भी नहीं होगा योर ऑनर। इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, इनकी बातों को ज्यादा वैल्यू नहीं देनी चाहिए योर ऑनर। मेरे क्लाइंट को रिहा कर दिया जाए, बस मैं आपसे यही विनती करता हूँ योर ऑनर। मैं आपसे विनती करता हूँ कि इसे बिल्कुल बाहर मत छोड़िए, ये खतरनाक आदमी है, ये हमारे समाज को बर्बाद कर देगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इनकी बातों को नजरअंदाज करके मेरे क्लाइंट बेगुनाह है ऐसा फैसला आपको कर देना चाहिए। केस जजमेंट के लिए 9 तारीख तक आगे बढ़ाया जाता है। थैंक यू योर ऑनर, थैंक यू। ए सर, उस लाने के लिए कहा था ना उस जय को, क्या हुआ उसका? ला है सर, अभी तक आया नहीं, अभी ला रहा है। जल्दी लाने के लिए बोलो। जी सर। सर आप जाकिर खान को सपोर्ट कर रहे हैं, इस बात से सब लोग नाराज हैं, आपका इस सिलसिले में क्या कहना है सर? क्या आपको ये बात सही लग रही है? देखिए कोर्ट का जजमेंट आने तक कौन अपराधी है कौन नहीं है ये हम नहीं बता सकते, तब तक मैं केस लड़ता रहूंगा, दैट्स ऑल। आप एक आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे हैं क्या, यह गलत बात नहीं है? आप कौन से चैनल में काम करती हैं? कस्तूरी। कस्तूरी में काम करोगे तो सुवर्णा चैनल वाले आपको पैसा देंगे क्या? कैसी बातें कर रहे हैं, मैं जिसके लिए काम करूंगी वही लोग तो मुझे सैलरी देंगे। ऐसा है ना, ये भी ऐसा ही है। मेरा क्लाइंट मुझे केस दे रहा है, मैं फीस ले रहा हूँ, मैं केस लड़ रहा हूँ, बाकी सब कुछ कोर्ट के हाथ में है और कुछ नहीं। ये देखिए सर, FB पर सभी सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। किसी ने दर्शन का नाम डालकर, स्टूपिड जैसा फोटो डालकर, रक्षिता का नाम डालकर, रमैया का फोटो डालकर, वो कौन है क्या है उसका कोई एड्रेस नहीं है, फोन नंबर नहीं है, वो अगर कमेंट करेंगे तो मुझे रिएक्ट करना पड़ेगा। लगता है आपके अंदर देश प्रेम नहीं है। कौन है भाई वो? ये पकड़ो। किसने कहा मैं देशप्रेमी नहीं हूँ? सुपर, तालियां बजाइए। स्कूल जाने के लिए एक शर्ट एक चड्डी और यूनिफॉर्म पहनकर जाता है, वही कपड़ा पहनकर घर में भी रहता है, रात को वही कपड़ा धोकर सुखाकर सुबह वही कपड़ा पहनकर जाता था, तब देश क्या कर रहा था? हम भी बड़े आदमी बनेंगे ये सोचना जरूरी नहीं है, लेकिन आज का खाना है कल का क्या करेंगे ऐसा सोचते वक्त देश क्या कर रहा था बताइए? हर घंटे में फिल्मों के गंदे गंदे पोस्टर्स रोड रोड पर लगाते हैं, उस समय हमारे देश के लोग क्या सोते रहते हैं जरा आप मुझे बताइए? हम लोग भाड़ा भर नहीं पाए तो उस समय क्या देश हमारा भाड़ा भरने आया? पैसा रहेगा तो ही हमें इज्जत मिलेगी, वो हमें पैसा दे रहा है, मैं केस लड़ रहा हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। एनीबॉडी वांट टू स्पीक अप, कृपा करके रास्ता छोड़िए। हेलो सर, मैं सेंट केयर हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, अमृता बहुत ही एबनॉर्मल दिख रही है। व्हाट? आप जल्दी आइए सर।
अमृता, तुम ये क्या कर रही हो? आओ आर्य, मैं जिंदा हूँ या मर गई ये देखने के लिए आए हो क्या? क्यों ऐसी बातें करके मेरा दिल दुखा रही हो अमृता? ओह सॉरी सर, आपका एक दिल है और उसे दर्द भी होता है, ये तो मुझे अभी पता चला। मैं आपको थोड़े पैसे दे देती हूँ, वो पैसे लेकर आप मुझे माफ कर दीजिएगा। क्यों आर्या, हमेशा पैसे के पीछे क्यों भागते रहते हो तुम? मुझसे ज्यादा अब तुम्हें मेरा प्यारा हो गया है। अमृता, मेरी बात समझने की कोशिश करो, हम दोनों की चाहत एक ही है, हमें पैसे चाहिए, खुशी चाहिए, उसी के लिए तो ये सब कर रहा हूँ ना मैं अमृता। बस मुझे अब कुछ नहीं सुनना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो, इसलिए तुम्हें सपोर्ट करती हूँ आर्या। मैंने कभी पैसों के लिए तुमसे प्यार नहीं किया। पैसों से हम कुछ भी कर सकते, ये समझने की कोशिश करो अमृता। गलती होगी जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। करेक्ट आर्या, तुम सही कह रहे हो। डॉक्टर अमृता, पैसों से सब कुछ कर सकते हो ना तुम? नहीं। तो भी मैं तुम्हारे सामने अपनी जान दे रही हूँ, जाओ और पैसे लेकर आओ और मेरी जान बचा लो। ये कैसी बातें कर रही हो अमृता, पागल हो गई हो? नहीं, बल्कि अब मैं बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ। अमृता, I love you. No, अमृता, I know you love money more than everything. अमृता, अमृता, डॉक्टर, अमृता, बाय आर्या। के दिए हुए पैसे, बंगला, कार की डॉक्यूमेंट, सब कुछ इसमें है। अभी से मैं आपके लिए काम नहीं करूंगा सर, जाकिर के केस को मैं अभी ड्रॉप करता हूं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? फाइनल स्टेज में आने के बाद अब तुम कह रहे हो कि ड्रॉप कर रहे हो? कितने पैसे चाहिए बोलो, मैं उतने दूंगा। पैसा पैसा पैसा, पैसों के पीछे भाग भाग कर और उसी के पीछे पागल होकर मैंने खुद को खो दिया। मेरा प्यार, परिवार, रिश्तेदार, सब कुछ खो दिया, कुछ नहीं चाहिए मुझे। तुम्हारी गर्लफ्रेंड मर गई ना, तुम्हें उससे क्या? तुम तो बहुत स्मार्ट हो, एक लड़की मर गई तो क्या हुआ, समंदर में हजारों मछलियों की तरह लड़कियां मिलेंगी। डोंट बी एन इमोशनल फूल। और उसकी मौत से इस केस का क्या संबंध है? संबंध है सर, प्यार, परिवार, रिश्तेदार को छोड़कर पैसों की लालच में आपके पीछे भागकर मैंने धोखा खाया। आपका कोई परिवार नहीं है तो आप क्या जानो, लेकिन मैं सब समझ गया, इन सब की वजह तो बस आप हो। यू आर द ब्लडी रीजन फॉर दिस। मी? मैं हूं? गुड जोक मैन। मैंने पहली बार जब तुम्हें पैसे दिए थे तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए, याद है ना? याद करो जरा, हर लेवल के टास्क में मैंने तुम्हें दो ऑप्शंस दिए थे। यू हैव टू ऑप्शंस, तेरे पास ऑप्शंस हैं, लेकिन तुमने जिसे सेलेक्ट किया वो है पैसा। पैसों के लिए तुम बकासुर बन गए हो। जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल में थी उस समय तुम्हें मैंने दो ऑप्शंस दिए, लेकिन तुमने चूज किया सिर्फ पैसा। उसकी मौत की वजह सिर्फ तुम हो। आप किसी भी तरह से तुम इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सकते हो। नेवर। तुम्हें जाकिर खान का केस लड़ना ही पड़ेगा। बाहर आने के बाद वो फिर ब्लास्ट करेगा, वो बहुत से लोगों को मारेगा भी। ऐसा नहीं हुआ तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। यही तुम्हारा फ्यूचर है। यू हैव नो अदर ऑप्शन। हा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 ह
चक्रवर्ती, मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा फ्यूचर क्या है। अगर मैं मर गया तो मेरे गवाह सबूतों को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, मेरी तरह केस कोई लड़ भी नहीं सकता। हर आदमी के पास लाइफ में एक ऑप्शन होता है। गुड बाय। Are you okay, अमृता? तुम ठीक हो ना अमृता? जो सवाल मुझे पूछना चाहिए वो तुम क्यों पूछ रहे हो? अमृता, I really love you, अमृता। तुम मुझे छोड़कर मत जाना अमृता, तुम्हारे बिना मैं खुश नहीं रह सकता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या जो ऐसी बातें कर रहे हो? तुम दो दिनों तक कोमा में थे, चाहो तो डॉक्टर से पूछ लो। डॉक्टर आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको गहरी चोट लगने से सीवियर हेड इंजुरी आई है। यू वर इन कोमा फॉर मोर देन 48 आवर्स, यू नो। Please take care of him. Okay, doctor. I'll send the nurse. आर्या, मैंने माँ से इस बारे में नहीं बताया क्योंकि वो घबरा जाएंगी ना। तुम भी उन्हें कुछ मत बताना। अच्छा आर्या, स्वाति के केस का जजमेंट आने वाला है, तुम कोर्ट जा पाओगे या नहीं? I am चक्रवर्ती। हर टास्क में तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे। टारगेट का फर्स्ट स्टेप तुमने कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट स्टेप में फ्लैट गिफ्ट दिया है। आज तुम्हें देने वाला हूँ सेकंड टास्क। इस घर में कोई तो है जो मुझे फॉलो कर रहा है आर्या। अमृता, तुम कितने स्टेप्स ऊपर चढ़ पाओगे ये तुम पर ही निर्भर है। यही इन टास्क का उद्देश्य है। जाकिर खान को जानते हो? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे कुछ भी करके ये केस जीतना ही होगा। हम सभी ने डॉक्टर राजकुमार का वीडियो देखा है। मुझसे ज्यादा तुम्हें बेचा प्यारा हो गया है। नो! तुम किसी भी हालत में इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सकते हो क्योंकि तुम पैसों के बकासुर हो। हर आदमी की लाइफ में दो ऑप्शन होते हैं। गुड बाय। सुनिए आर्या, अगर आपके घर की किसी महिला के साथ ऐसा हुआ होता तब भी आप ये केस लड़ते? आर्या, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम गलत कर रहे हो? आप में से कोई आर्गुमेंट करना चाहता है क्या? नो आर्गुमेंट योर ऑनर। डिफेंस, डिफेंस, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? यस योर ऑनर, इन्होंने कोई गलती नहीं की है और इन्हें पूरी तरह से न्याय मिलना चाहिए। मैं बस इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ। दैट्स ऑल योर ऑनर। अभी तक न्यायालय के सामने पेश किए गए सबूत और गवाहों के आधार पर तिलक नाम के व्यक्ति, जिस पर स्वाति नाम की लड़की के साथ इच्छा विरुद्ध बलात्कार करने का आरोप था, लेकिन तमाम गवाहों और सबूतों पर ध्यान देने के बाद अदालत इस निर्णय पर पहुंचती है कि तिलक नाम का व्यक्ति पूरी तरह से निर्दोष है। प्रोसिक्यूशन के वकील कुछ भी साबित नहीं कर पाए हैं, इसीलिए ये अदालत तिलक को इस मामले में बाइज्जत बरी करती है और उसे तत्काल रिहा करने का हुक्म सुनाती है। Thank you.
सपना है, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। बेसिकली एक आदमी सपने में आता है तो उसे कभी जिंदगी में देखा होगा, एटलीस्ट उसकी फोटो तो देखी होगी, लेकिन मैंने तो उस आदमी को कभी देखा भी नहीं है। वो भगवान जैसा इंसान सपने में आया, कंसल्ट किया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। उसकी वजह से मैंने अपना फ्यूचर देख लिया। आई डोंट नो हाउ इट इज पॉसिबल। एक आदमी आया, उसे जिंदगी में कभी देखा नहीं, उन्होंने मुझे फ्यूचर बताया, इसका क्या मतलब है? उनका और मेरा क्या कनेक्शन हो सकता है? आई सीरियसली डोंट नो। तुम्हारे सपने में आया वो काले घुंघराले बालों वाला मैनेजर कहीं वो तो नहीं है? हेलो, आई एम विक्रम साधु, मैनेजर ऑफ चक्रवर्ती ग्रुप ऑफ कंपनीज। आपने जो केस लिया था उसे आप जीत गए तो मेरा बॉस इंप्रेस हो गया। सो मुझे लीगल एडवाइजर बनाने का फैसला कर लिया है। You are so sharp. So, मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना चाहिए? Yes, certainly. You have 1 hour time. Take this address. Be on time. Okay, bye. Come in. By the way, I'm Chakravarti. Chakravarti, आप हैं? Don't waste my time. मैं तुम्हें एक important case देना चाहता हूँ। सबसे suitable advocate तुम्हें लगे। तो वो जाकिर खान का केस है क्या? मानना पड़ेगा मिस्टर आर्या। कोर्ट से तुम सारी बातें जानकारी यहाँ पर आए हो मेरे पास। That's why I like you. You see, you have two options. You have two options. Number one is finance and second is females. Choice is yours. ये केस मैं लेता हूँ सर. You don't have to worry. पैसा और फीमेल में तुम पैसे को ही सिलेक्ट करोगे, मैं जानता था. Good luck. Take it. See you. संवाददाता के आधार पर बलात्कार के मामले में एक नया खुलासा सामने आया है। उस मामले में रिया हुए तिलक उस अपराध में लिप्त है। इस विषय में पुलिस नए सिरे से सोच रही है और उसे इस प्रकरण में दोषी माना जा रहा है, क्योंकि उसका एक और वीडियो है जो किसी अनजान व्यक्ति ने हमारे न्यूज चैनल को भेजा है। उसे देखने के बाद ये साबित हो जाता है कि वो अपराधी है और इसमें स्वाति नाम की लड़की पूरी तरह से निर्दोष है। एक अज्ञात व्यक्ति ने हमारे न्यूज चैनल को एक वीडियो भेजा है जिससे इस केस के अंदर एक नया मोड़ आ गया है। नेक्स्ट टाइम उसके घर में जाके रेप करूंगा तब उसे समझ में आएगा, जानते हो ना मुझे। याद रखना, तुम जाओ यहाँ से, मैं जानता हूँ। आर्या, तिलक एक्सीडेंट में मारा गया है, ये तुम जानते हो क्या? जानता हूँ। माँ, आश्रम की केस फाइल कहाँ है? मेरी कबाट में ही रखी हुई है। Thank you.
ये मेरे पापा हैं। ये कहाँ मिलेंगे माँ? इनको मरे हुए 25 साल हो गए। ये एक नीच इंसान थे। पैसा पैसा सोचकर इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी थी इनकी। यही वजह थी कि मैंने इनके बारे में आज तक तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया। This is my F place, मतलब my favorite place. तुम्हें कभी भी मुझसे मिलने की इच्छा हो तो यहाँ पर आ जाओ। माँ ने ऐसा कहा था कि वो एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। I am your F, मतलब फादर। तुम्हें इस बात पर बहुत आश्चर्य हो रहा होगा ना? तुम्हारी जिंदगी में मैं क्यों आया, तुमसे क्या क्या करवाए, इससे तुम्हें बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा। मैं भी तुम्हारी तरह एक लॉयर हूं। पैसों के पीछे मैं भी भागता रहा। जहां तुम खड़े हो वहीं से मुझे भी धक्का देकर मार दिया गया। पैसों के पीछे भागकर इंसानियत को भूलकर मैं तुमसे और तुम्हारी मां से दूर हो गया। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा अच्छा रास्ता चुनकर जिएगा, लेकिन तुमने मेरे ही रास्ते को चुना। स्वाति का केस, तिलक की दोस्ती, सब में पैसा ही तुम्हें बड़ा लगा। हर टास्क में मैं तुम्हें एक सबक देना चाहता था। किसी भी व्यक्ति में अगर माँ बाप, भाई, देश, देशभक्ति, प्यार, मान सम्मान, ये सब चीजें न रहे तो इतिहास में उसकी कोई जगह नहीं और ना ही वो कभी आगे बढ़ सकता है। आपने मुझसे ये टास्क क्यों करवाए ये मेरी समझ में नहीं आया। तुम गलत रास्ते पर जा रहे थे और इसलिए तुम्हारे सपनों में आकर मैंने तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर दिखाया। मेरी सोच से कहीं अधिक अच्छी तरह तुमने तिलक केस को हैंडल किया। तिलक का केस अगर मैं ड्रॉप करता तो वो किसी और लायर को पकड़ता। स्वाति और उसके परिवार को कभी भी न्याय नहीं मिलता, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। जाकिर खान केस तुमने छोड़ दिया है ना? यस। वेरी गुड। जिंदगी बहुत मूल्यवान चीज है और मैं सोचता हूं कि तुम्हें यह समझ में आ गया होगा। पापा, अगर आप नहीं होते तो मैं समझ नहीं पाता। आपने मुझे नई जिंदगी दी है पापा। यू आर द बेस्ट डैडी फॉर एवर। अमृता को उस घर में कुछ दिखाई दे रहा था, कुछ आवाज सुनाई दे रही थी, ऐसा वो कहती थी। उस समय मैं समझ नहीं पाया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये मुझे अभी समझ में आ रहा है। अपने पैसों के नशे में तुम उसे ताजमहल समझ रहे हो। ताजमहल कोई महल नहीं, एक समाधि है। जितना भी प्यार करने वाले क्यों ना हो, अगर वो ताजमहल बनवाएंगे तो वो समाधि ही रहेगी। पैसों के पीछे भागो मत, वक्त आने पर वो खुद तुम्हारे पास आएगा। ये बात गांठ बांधना। Oh, 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 oh